साइबर सिटी गुरुग्राम के मानेसर नगर निगम में 4,50,00,000 रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों को विविध रूप से पटौदी विधायक सत्यप्रकाश जरावता ने शिलान्यास किया, जिसमें सड़क, शौचालय, ड्रेनेज सिस्टम आदि शामिल है। गांव सिकंदरपुर बढ़ाओ और ओरिस कोऑर्डिनेशन सोसाइटी के लंबे समय से मांग थी कि सीवर से निकलता गंदा पानी लोगों की परेशानी का सबक बना हुआ है, जिसको लेकर विधायक पटौदी को अवगत कराया गया, जिसके बाद इस समस्या का जल्द ही निवारण किया जाने का आश्वासन दिया गया था। जल्द ही यहाँ पर नाले का कार्य शुरू किया जाएगा। इसी तरह अलग अलग गांवों में शौचालय बनाने का कार्य भी करवाया जाएगा। वहीं 54,00,000 की लागत से सड़क पर 1,25,00,000 का निर्माण कार्य किया जाना है। इसी तरह से टोटल 4,50,00,000 रुपए के विकास कार्य को हरी झंडी दे दी गई है। ऐसे में आसपास सोसाइटी व आसपास गांव के लोगों को बड़ी समस्या से निजात मिलेगी। मानेसर नगर निगम बनने के बाद यहां पर विकास कार्य को गति मिल रही है। विधायक सत्यप्रकाश जरावता ने यहां करोड़ की लागत से जीएमडी द्वारा सड़क व पीने का पानी का निर्माण करवाया। मानेसर नगर निगम में क्षेत्र जल्दी सर्वे करवाया जाएगा और जनसंख्या के आधार पर वार्डबंदी की जाएगी, जिसके बाद यहाँ चुनाव प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। वह विकास कार्य को हरी झंडी मिलने से ग्रामीण सोसाइटी वासी काफी खुश है। ये बड़ी योजना नहीं है, लेकिन चूंकि ये एक लंबे समय की एक बीमारी थी कि सिकंदरपुर से बढ़ा के बीच में पानी भरता है और यहाँ पर हजारों लोग इस सोसाइटी में रहते हैं, हजारों लोग सिकंदरपुर गाँव में रहते हैं, बढ़ा में रहते हैं, मेन रास्ता है, तो यहाँ पर पानी भरता था, उसके नाले का प्रोजेक्ट आज हमने शुरुआत की है। सुंदर भाई ने, महावीर जी ने कई लोगों शिकायत भी की, तो उसका टेंडर बन गया, एस्टिमेट अप्रूव हो गया, वर्कलोड हो गया है। अभी मैंने ये कहा है कि भाई जब आप नाला बढ़ाओगे तो रोड कौन बनाएगा, तो रोड का भी एस्टिमेट मैंने बढ़वाने के लिए डायरेक्शन दे दिए। मैंने कहा जब रोड बन गया तो अंधेरे में कौन चलेगा, तो लाइट का भी मैंने इनको कह दिया है। और इन्होंने कहा कि हम 4 महीने में बनाएंगे, मैंने कहा भाई तुम 6 महीने में तैयार कर दो। यही आज का प्रोजेक्ट था। और इस बारे में दूसरा ये है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जीएमडी में कुछ महत्वपूर्ण फैसले हुए, उनके लिए मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। 64 करोड़ रुपए, 67 करोड़ रुपए, अब शायद 70 भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि 2 साल पहले, 1.5 साल पहले अप्रूव हुए थे रामपुरा से और हयातपुर का ये रोड। हमने कई बार जीएमडी में इसकी बात उठाई और 82, 83, 85 का कल रोडों की शुरुआत कर रहे हैं। हमारी पार्टी की बैठक है, मैं रह नहीं पाऊँगा, हमारे दूसरे साथी विधायक वो रहेंगे। और इसके अलावा 18 गाँव में जीएमडीए के और निगम के जो पढ़ते हैं, इन गाँव में पीने का पानी हम जीएमडीए के मार्फत हमें मिला। मैं इन करोड़ों रुपए की सौगातों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो उन्होंने जीएमडीए के मार्फत हमें दी, और एक सामने ये टोल के पास फ्लाईओवर भी आ रहा है, तो इन सब चीज़ों के लिए माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूँ। मेरा स्टैंड पहले भी क्लियर था, आज भी स्टैंड क्लियर है। निगम के गठन तक जो बने हुए हैं उनको कोई छेड़ नहीं रहा, लेकिन जो निगम के बाद बना रहे हैं बगैर परमिशन के, एक तो उनकी प्रॉब्लम है, दूसरा जिनको निगम बना था उस समय टाउन कंट्री प्लानिंग की वायलेशन हुई थी, वो सारे नोटिस निगम में ट्रांसफ़र हो गए, वायलेशन टाउन कंट्री प्लानिंग की है, वो हो गए। ये 3-4 विषय है, उनको भी हम तोड़ने नहीं दे रहे। हम ये कह रहे हैं कि भाई आप कोर्ट में जाओ, आप रिप्रेजेंट करो, यदि आपका लीगलाइज का कोई चांस है कोई, तो आप अपनी ट्राई करो। पीछे ये जो अभी जो कह रहे हैं, इनके तोड़ने के लिए उस दिन आदेश थे कि तोड़ना है, लेकिन हमने कहा, रिक्वेस्ट किया अधिकारियों से कि भाई इनको, माननीय मुख्यमंत्री तक मैंने मैसेज पहुंचाया कि जी किसी का तोड़ा ना जाए, इनको 1-2 महीने टाइम दे दो सील करके, किसी का नुकसान ना किया जाए। और जब तक कहा कि कल को ये ना कहे कि भाई मेरे को एकदम तोड़ दिया, अब जब ये तय हो गया कि भाई ये अप्रूव हो जाएंगे तो अप्रूव हो जाएंगे, और जब किसी भी सूरत में कोई इनको अप्रूव कर ही नहीं सकता, किसी एक्ट में आएंगे नहीं, तो फिर कानून अपना काम करेगा। अच्छा, मैं कानून से ऊपर नहीं हूँ, पार्टी की सरकार डंके की चोट पर हम 5 राज्यों में बना रहे हैं, बिल्कुल बन रही है पंजाब में, हम अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं। पंजाब का चुनाव कब करवा रहे हो? निगम का चुनाव हम तैयार हैं, थोड़ी सी कमी रह गई है कि सेंसेस की। मेरा मानना है कि पुनः सेंसेस होनी चाहिए, जिस तरह से अब लोगों ने बात बताई है, 20 लाख के लगभग आबादी लोग बता रहे हैं, कि मेरा मानना है कि 10 लाख भी मान ली जाए तो भी हमारे वार्ड की संख्या 25 से 30 बन रही है। और इस बात को मैं, क्योंकि तमाम डेवलपमेंट की बात उन्हीं से होती है, इसलिए बहुत जल्दी ये जब काउंटिंग का काम पूरा होगा, ऑर्डर कर दिए है, एजेंसी दे दी, लगा दिए कोई सर्वे के लिए, जो ही पूरा होगा वार्डबंदी शुरू करा के। आज मानेसर नगर निगम के जोन 2 में लगभग 4.5 करोड़ रुपए के आसपास के विकास कार्य का शिलान्यास अभी विधायक पटौदी बड़े भाई सत्यप्रकाश जरावता जी ने किया है, और उसमें विशेष रूप से जो कार्य किया है, जिसके लिए लगातार 4 साल से गाँव सिकंदरपुर, बढ़ा
और इनके साथ और इस सोसाइटी, इन लोगों की जो समस्या थी जो पिछले 4 वर्षों से चली आ रही थी, और चुनाव से पहले भाई साहब ने जो वादा किया था कि सत्यप्रकाश जरावता जो कहता है वो करता है, उसे आज पूरा कर दिखाया है। हम इसके लिए विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले समय में गाँव सिकंदरपुर, गाँव बढ़ा के साथ साथ और इस सोसाइटी के लोगों को एक सुंदर रोड से, साफ सुथरी जगह से निकलने का अवसर प्राप्त हो। निश्चित रूप से जब भी विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी क्षेत्र में या गांव में आता है तो हमेशा गांव वालों की मांग होती है और वो मांगे, कुछ मांगे उनमें से पूरी हो जाती है, कुछ पे काम किया जाता है। तो निश्चित रूप से आज कुछ मांगे रखी गई है जिन पे तुरंत प्रभाव से, कुछ पे तो भाई साहब ने अभी अमल करके अधिकारियों को निर्देश दे दिए, चाहे वो इस रोड से संबंधित हो या लाइट से संबंधित हो, और कुछ ऐसी मांगे हैं जिन पे विचार करके उन्हें भी पूरा कराया जाएगा, जाने की आश्वासन दिया गया। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।